हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम शेयर मार्केट को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन दो वीडियो में हमने बात करी थी कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरा वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन तक का हमने प्रोसेस जान लिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे लास्ट के दोनों वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो किस एप्लीकेशन का यूज करेंगे और हम कोई स्टॉक कैसे खरीदेंगे जिसको हम लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकें, तो उसके लिए भी दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदना है तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक ब्रोकर की। अब ब्रोकर के काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन लॉन्च किए हुए हैं, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। तो आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन के आपने नाम भी सुने होंगे, ग्रो एप्लीकेशन या फिर अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ठीक है, इनके काफ़ी सारे ऐड आते रहते हैं। या फिर इसके अलावा आपने और भी किसी ब्रोकर का नाम सुना हो तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट के साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आप कोई भी स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं और डीमेट अकाउंट में जाके वो स्टोर हो जाता है। सिंपल आप ऐसा मानिए कि आपने कोई UPI अपना बनाया, जैसे कि आपने Paytm बनाया, तो Paytm के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, Paytm की जगह पर आप फ़ोनपे का एग्जांपल ले लीजिए, वो सही रहेगा। तो जैसे कि फ़ोनपे है तो फ़ोनपे के थ्रू हम किसी को पैसा भेजते हैं या फिर फ़ोनपे के थ्रू रिसीव करते हैं, लेकिन जो हमारा पैसा है तो बैंक अकाउंट में जाके स्टोर होता है। सेम ऐसे ही जब हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, लेकिन अगर वो हमको रखना है मान लो लॉन्ग टाइम तक, तो वो हमारे डीमेट अकाउंट में रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ पॉपुलर डीमेट अकाउंट के। मैं पर्सनली धन एप्लीकेशन को यूज करता हूं और एंजल वन को यूज करता हूं। तो अभी यहां पर मैं एंजल वन को ही लॉगिन कर लेता हूं। तो अभी एंजल वन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले फंड की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि हम किसी भी स्टॉक को खरीदेंगे तो हमारे डीमेट अकाउंट में पैसा हमने ऐड किया है कि फिर नहीं किया है। तो सिंपल हम सर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि इसमें ट्रेडिंग बैलेंस, मतलब कि अभी इसमें बैलेंस कुछ है ही नहीं। तो जब आप न्यू अकाउंट बनाएंगे, ये मैंने न्यू लिया है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें एकदम शुरू से समझा सकूं। तो हम यहाँ पर फंड ऐड करेंगे, तो ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपका बैंक सजेस्ट कर देगा कि ये वाला बैंक अकाउंट है, तो सेम बैंक अकाउंट से ही फंड ऐड होता है। अगर आपका पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में है तो आप पहले इस बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें 5,000 रुपये अभी ऐड कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा अकाउंट नंबर है वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो UPI अभी इसमें लिख के आ रहा है तो वो अभी मैंने चेंज कर दिया है। तो व्यू ऑल पेमेंट मेथड पर मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद 5,000 रुपये मैं ऐड करना चाहता हूं, बैंक अकाउंट ए है। अब मैं फ़ोनपे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद यहां पर मैं प्रोसीड आगे करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्सिस बैंक से ही मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ। शायद अभी ये स्क्रीन ब्लैक हो गई हो, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लैक हो जाता है, अदरवाइज मुझे यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। तो अभी इसमें फंड 5,000 रुपये सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ठीक है। ये अभी मैं फ़ोनपे से फिर से यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ, ठीक है, एंजल वन पर। तो अब हम यहाँ पर अकाउंट में जाएंगे तो आपको दिख रहा है ट्रेडिंग बैलेंस 5,000 रुपये ऐड हो गया है। अब इसके बाद सिंपल हम होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी कंपनी के स्टॉक में तो आप इधर वॉच लिस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप ये ऊपर सर्च वार आ रहा है, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज होम पर जैसे पहले था सर्च वार यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप किसी भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SBI बैंक में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो SBI का यहाँ पर स्टॉक आ गया है। और इसके बाद दो एक्सचेंज सजेस्ट किए जा रहे हैं, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ऊपर है, इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ये यहाँ पर दोनों सजेस्ट हो रहे हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस टाइम पर आपको बताया भी था कि जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो दोनों आपको सजेस्ट होंगे, तो मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्ट करना चाहता हूँ SBI स्टॉक के अंदर। तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा, ये यहाँ पर प्राइस बता रहा है, ठीक है, तो प्राइस आप इसकी देख सकते हैं। अब इसके बाद
इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन हमें तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सिंपल बाई करेंगे। ठीक है, बाई करने के बाद ये आ रहा था, ठीक है, तो आप इसको उठा देंगे। अब आप कितने शेयर इसके बाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके 2 शेयर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ शेयर डाल दिया 2। अब इसके बाद आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि डिलीवरी और इंट्राडे और पे लेटर। तो यहाँ पर डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपने डिलीवरी में कोई भी स्टॉक खरीद लिया तो आप उसको आज ही सेल कर सकते हैं, कल सेल कर सकते हैं, 10 दिन या फिर 10 महीने या फिर 10 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बेचना ही नहीं चाहें अपनी पूरी ज़िंदगी में, आप अपने बच्चों को गिफ्ट करना चाहें, तब भी आपका ये स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। और अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये कि ये आपको आज ही सेल करना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये जो ब्रोकर है एंजल वन, ये ऑटोमेटिक सेल कर देगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में शो होने लगेगा। इसके बाद ये पे लेटर है, तो यहाँ पर आपको कुछ मार्जिन मिलता है, मतलब कि अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप इसका इस ऑप्शन का यूज ले सकते हैं। खैर इसको हम नहीं जानेंगे। तो अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो आप यहाँ पर डिलीवरी में उसको खरीदेंगे। इसके बाद ये लिमिट प्राइज है, तो जैसे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 597 रुपये और अभी ये प्राइस सेट है, तो आप इसको क्या है कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अभी ये कुछ कम होगा, 595 पर मैं इसको खरीदूंगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पर अगर इसको बाई कर देंगे तो जब इसका प्राइस 595 आएगा उस टाइम पे बाई हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि अभी जो मार्केट में प्राइस है उसी प्राइस पर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे तो मार्केट प्राइस पर ही आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप सिंपल इसको बाई कर देंगे। और ये जो यहाँ पर ये जो राइट वाला बटन है, ठीक है, तो ये अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को, मतलब कि पे लेटर, तब आपको इस पर क्लिक करना है। अदरवाइज आप इसको डिलीवरी में खरीद रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप इधर अगर इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगाना चाहते हैं, इनकी हम आगे चल के बात करेंगे। स्टॉप लॉस का मतलब ये कि अगर इस कंपनी का स्टॉक इतने से कम होता है तो मेरी यहाँ से पोजीशन है वो ऑटोमेटिक कट हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी ये 597 का चल रहा है, अगर ये स्टॉक गिरता है तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 590 पर, मतलब कि अगर ये 590 से भी नीचे जाए तो हमारी यहाँ से पोजीशन कट हो जाए। ठीक है, तो आप उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमें इसका यूज नहीं करना है, सिंपल हम बाई पर क्लिक करेंगे। इसने दोस्तों पैसा ही बता दिया कि आप 2 स्टॉक खरीद रहे हैं, तो नीचे 1193.50 इतने रुपए के आ रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है 5000। लगने वाले चार्जेस हम एक बार और देख लेते हैं। तो इसमें जो एंजल वन हमसे चार्ज ले रहा है या फिर गवर्नमेंट मुझसे जो चार्ज ले रही है, तो वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एंजल वन का यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंजल वन ये सर्विस हमें फ्री में देता है। तो ये टोटल चार्जेज हैं वो 1.41 रुपये हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल कन्फर्म कर देंगे। अभी ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों एंजल वन के अकाउंट में बार बार ऑर्डर रिजेक्ट हो रहा था, क्योंकि वो अकाउंट मैंने पुराना यूं ही उठा लिया था आपको बताने के लिए शुरू से, लेकिन वो अकाउंट एक्टिवेट नहीं था। तो अभी मैं आपको धन एप्लीकेशन पे लेके आ चुका हूँ। तो सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पर भी है, आप सर्च करेंगे जिस भी स्टॉक को आप ख़रीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मैं कोई दूसरा HDFC का शेयर ले लेता हूँ, HDFC, ठीक है, HDFC बैंक में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टॉक पर, और इसमें भी सेम ऑप्शन आ गए, बाई का यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब इसमें भी आ रहा है ट्रेडिंग या फिर MTF, मतलब कि मार्जिन ट्रेड फंडिंग, जो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा था ना मार्जिन वाला, वो है। और इसके बाद ये इन्वेस्टिंग का मतलब है दोस्तों डिलीवरी। अब इसके बाद आप इसकी क्वांटिटी यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं या फिर ऐसे करके आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर एक ही ख़रीदना चाहता हूँ। प्राइस आप मार्केट प्राइस पर ख़रीदना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर लिमिट प्राइस का ऑप्शन ही नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पर आप अपनी लिमिट के हिसाब से लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको मार्केट ही रखना है। ठीक है, अब इसके बाद इंस्टेंट बाई पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे ऑर्डर्स में, तो ऑर्डर्स में अभी ये हमें दिखा रहा है कि हमारी एक पोजीशन ओपन है, मतलब कि हमने एक स्टॉक को ख़रीदा हुआ है HDFC बैंक, ये यहाँ पर डिलीवरी लिख के आ चुका है। ठीक है, वहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट्स हो रहा था, यहाँ पर डिलीवरी है, और ये हमने जिस प्राइस में ख़रीदा है वो प्राइस हमें यहाँ पर दिखा रहा है। और अभी LTP, मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अभी जो प्राइस चल रहा है तो वो यहाँ पर सो रहा है, और अभी मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं, मान लो कि 2 साल बाद या फिर 4 साल बाद, तो जब आप इसको सेल करना चाहोगे तो आप इस पर क्लिक करके, एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे
और फिर इसके बाद आप प्राइस यहाँ पर भी अपना लगा सकते हैं अगर लिमिट लगाना चाहें, आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप इंस्टेंट सेल कर देंगे, आप इसको 10 साल बाद या फिर कभी भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे अभी मैंने 1.05 रुपये कमा लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इन्वेस्टमेंट करना या फिर कोई शेयर खरीदना सीख गए हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब दोस्तों इसके बाद नंबर आता है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग को अब हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो ट्रेडिंग के काफ़ी सारे तरीके हैं, तो हम उस पर पहले बात करेंगे, मतलब कि एक कोर्स की तरह, फिर हम उसको भी प्रैक्टिकल मतलब कि डिस्प्ले पर करके देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।